हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों ने बोला सर आपने ऑटोकैड का सीरीज कंप्लीट नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि ऑटोकैड ही नहीं, हम लोग ऑटोकैड, स्टैट प्रो, ईटैब्स, रैबिट, सारे सॉफ्टवेयर का सीरीज कंप्लीट कर देंगे। जो भी बचे हुए कंटेंट है वो आपको हम लोग इसमें शेयर कर देंगे। तो उसी से रिलेटेड मैंने देखा कि हमारे चैनल पर कौन कौन से अभी ऑटोकैड के वीडियोज नहीं पड़े हैं, अब उनकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आपको ये डेली बेसिस पे सीरीज मिलता जाएगा। जिसका भी ऑटोकैड लगता है कि अभी परफेक्ट नहीं है, आप इसको फॉलो करो, आपको कंप्लीट ऑटोकैड की सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टैट प्रो करेंगे, फिर ईटैब्स करेंगे, फिर टेक्ला करेंगे, फिर 3ds मैक्स, उसके आगे के अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड स्टार्ट करें। तो ऑटोकैड में हमने 2D के बेसिक कमांड काफी कवर किए हैं। थ्री कमांड्स पे हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में। तो थ्री कमांड्स में हम लोग तो देखना पड़ेगा, जैसे कि पहला कमांड क्या है, एक्सट्रूड। लगभग सबको पता होता है एक्सट्रूड कमांड का यूज, राइट? तो एक्सट्रूड कमांड को यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको एक 2D शेप बनाना होता है, कभी भी अगर 3D बनाना है तो 2D शेप के लिए हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लिया, और सपोज हमने इस तरीके से रेक्टेंगल खींच लिया। अब यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक कर दिया। SW मीन्स होता है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। इस पे क्लिक किया और ये हमारे पास इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद एक और हम रेक्टेंगल खींचेंगे यहाँ पे, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आएगा इस तरीके से, और इसको मैंने एक्सप्लोर कर दिया। तो एक्सप्लोर करने के लिए सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया एक्स, इंटर, क्या हो गया, एक्सप्लोर हो गया। अब ये जो है ये पॉलीलाइन है और ये क्या हो गया है, लाइन बन चुका है, राइट? अब देखिए दोनों को एक्सप्लोर करने से आपको क्या मिलेगा। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे एक्सट्रूड किया और आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे क्या आता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ऑटोकैड जो है 3D ये थोड़ा सा स्लो चलता है। इस तरीके से बन गया और इसको भी हमने सेलेक्ट किया और इसको भी एक्सट्रूड कर दिया, इस तरीके से बन गया। अब दोनों को सॉलिड में देखेंगे, मीन्स रियलिस्टिक व्यू में देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करिए और आप रियलिस्टिक करके देखिए आपको क्या मिलता है। देखिए ये जो है ये आप सिर्फ बटन दाब के और माउस के मिडिल बटन, जिसको पेन बोलते हैं, दाब के आप देख सकते हैं। ये जब लाइन से था तो इसको क्या पूरा का पूरा ये बना दिया, हॉलो सेक्शन बना दिया, और ये जब पॉली लाइन से था तो इसने क्या बना दिया, पूरा का पूरा सॉलिड सेक्शन बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग सॉलिड और हॉलो दोनों तरीके के शेप्स को देख सकते हैं और इजली बना सकते हैं। अगर हमको हॉलो बनाना है तो उसको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर हमको सॉलिड बनाना है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, पॉली लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट कमांड है, जैसे आपके पास प्लान आता है, आपके पास कोई सपोर्ट प्लान है, प्लान के लिए अच्छा होगा कि आप यूनिट, जिस यूनिट में कंफर्टेबल है, जैसे मैंने UN इंटर किया और यहाँ पे कर दिया आर्किटेक्चर और यहाँ पे कर दिया इंचेस, ओके, और यहाँ पे होता है आपके पास पॉली सॉलिड। पॉली सॉलिड क्या करता है, डायरेक्ट वॉल बनाने का काम करता है। बस इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अब आपके पास प्लान होगा ही, मैं प्लान नहीं बना रहा हूँ, आपके पास प्लान होगा ही, उसमें आप सीधे हाइट डाल दीजिए, क्या हाइट रखना चाहते हैं अपने वॉल की। एंड एवरी सिविल इंजीनियर नो द हाइट ऑफ वॉल इज 10 फीट, ठीक है, 10 फीट। उसके बाद उसका विड्थ डाल दीजिए, विड्थ अगर ये आउटर होगा तो 9 इंचेस होगा और इनर होगा तो 2.5 या मे बी 6 इंचेस, तो 9 इंचेस हमने ले लिया। बाद जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है, मींस प्लान के आप लेफ्ट से चलना चाहते हैं कि राइट से कि सेंटर से, आप लेफ्ट से चल लीजिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे क्लिक करके देखा, और आप सबको ऑर्थो कमांड का यूज तो पता ही है। अब आपको सपोज पता है कि आपके पास जो वॉल है वो वॉल है आपकी 10 फीट की, मतलब 10 फीट ऐसे प्लान वॉल है, उसके बाद इधर गया हुआ है 10 फीट, और फिर उसके बाद आप इधर जा रहे हो, फिर इधर जा रहे हो, फिर आपका कुछ 7 फीट यहाँ पे है, फिर इस तरीके से ये है, और इस तरीके से आपका कंप्लीट इंटर कर देंगे तो आपके पास ये प्लान का 3D डायरेक्ट तैयार हो जाता है। अगर आपको उसको देखना है तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में जाइए और यहाँ पे इसको रियलिस्टिक कर दीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पे रूम का क्लोजिंग आ गया, यहाँ पे एक वॉशरूम का एंडिंग कर सकते हो, वो इस तरीके से आपके पास एक छोटा सा प्लान तुरंत तैयार हो जाए। आपको थोड़ा भी मेहनत नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉली सॉलिड के थ्रू डायरेक्ट वॉल को तैयार कर सकते हो। तो वॉल बनाने के एक मेथड तो है आप एक्सट्रूड से, कैसे एक्सट्रूड से,
प्लान के ऊपर आप एक रेक्टेंगल खींच देते हैं ऐसे करके, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दो, ये भी आपका वॉल तैयार हो गया। एक तरीका आपके पास ये है। एक और है जो सबसे बेहतरीन है, इन दोनों से बेहतरीन है और मैक्सिमम लोग उसी को यूज करते हैं, उसकी एक खासियत भी है। जैसे सपोज हमने लिया यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे, अब देखिए ये आपका क्लोज नहीं है, तो अगर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो क्या होगा, ये हॉलो सेक्शन बनाएगा, और अगर हम पॉलीलाइन लेंगे तो पॉलीसॉलिड लेंगे तो बन तो जाएगा, बट क्या पता एग्जैक्ट बने कि ना बने। बट अगर आप यहाँ से प्रेस पुल लेंगे, जिसका इतना ज्यादा यूज है, पूरे ऑटोकैड 3D का एक जान है, तो इसको जब यूज करेंगे तो अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए तुरंत सॉलिड शेप तैयार हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से सॉलिड शेप तैयार हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे वॉल को तैयार कर सकते हैं। मींस वॉल बनाने के तीन तरीके हैं और तीनों में सबसे ज्यादा जो प्रीफर करूंगा मैं वो प्रेसफुल को करूंगा। क्यों, मान लीजिए आपको यहाँ पे विंडो सेट करनी है, रेक्टेंगल लीजिए, यहाँ पे विंडो को सेप दीजिए जैसा कि आपको विंडो चाहिए, सपोज ऐसा विंडो चाहिए, और यहाँ से प्रेसफुल कमांड लीजिए और यहाँ पे जाइए और आप क्लिक कर दीजिए, ये देखिए हॉल हो गया सेक्शन, विंडो तैयार आपका। अब एक बाहर से विंडो लेके आइए और बना के दे दीजिए। आपको नहीं पता है विंडो कैसे बनाते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू क्रिएट डोर एंड विंडो, तो वहां से डोर विंडो बनाइए और फटाफट यहाँ पे ले आके लगा दीजिए। तो वॉल बनाने के ये तीन तरीके आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके बताना, और क्या आप चाहते हो, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपके जो वीडियोज है उनको अगर सीरीज से सीखते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, मीन प्लेलिस्ट में व्यवस्थित नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है अभी हम एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, अभी इसका तो प्लेलिस्ट मैंने चेक कर लीजिए आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको ओवरऑल उस सॉफ्टवेयर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मींस ईटैब में ईटैब्स के सारे मिलेंगे, तो आप सबको प्लेलिस्ट पे जाना है, चेक करना है और पूरा कोर्स फिनिश करना है। उसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एडवांस लेवल, तो देखो एडवांस लेवल के लिए हम लोग दूसरे वीडियोस तैयार कर रहे हैं और वो भी जैसे जल्दी से आ जाएंगे आपके सामने, क्योंकि देखिए कुछ तो आपको मतलब हमें पेट भी रखना पड़ेगा क्योंकि आपको सबको फाइनेंशियल का प्रॉब्लम जाता है, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे। और बस आप प्लेलिस्ट चेक करिए और वॉच करिए। उसके अलावा आपको लगता है कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करिएगा, उसके लिए हम दूसरे वीडियोज भी तैयार करके आपको दे देंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।